हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एग्जाम प्रेप प्लेटफॉर्म सो एक सवाल है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को सताता है कि ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी के जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है ओके okay, अगेन अभी भी कुछ दिनों से जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है पॉलिटिकल साथी उस उसमें कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि सही में कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया तो टूडे इन दिस पर्टुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी एंड द थिंकर्स इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने ये विचार दिया है और कब कब किसने दिया है ठीक है बिकॉज थोड़ा सा इनका सीक्वेंस के बारे में लेके थोड़ा सवाल है बिकॉज पिछले कुछ एग्जामिनेशन में फॉर एग्जाम्पल जामिया मिलिया के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया था कि किस विचारक ने सबसे पहले ये विचार दिया है ठीक है सो वो थोड़ी सी क्लियरिटी में करने के लिए इस वीडियो में आया सो इट्स गोइंग टू ए वेरी शॉर्ट वीडियो एक छोटी शॉर्ट वीडियो में आई विल बी क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर कंफ्यूजन जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को है ठीक है फाइन सो जैसे कि आप ये फोटोज देख रहे हैं गांधी जी की फोटो है यहाँ पे एम एन रॉय जी है साथ साथ विनोद भावे जी और साथ साथ जयप्रकाश नारायण ठीक है सीक्वेंस में इन चारों की फोटो लगी है और दीज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिलिस्ट डेमोक्रेसी ओके तो पूरे तरीके से या फिर अधूरे तरीके से पार्टिलिस्ट डेमोक्रेसी की थोड़ी बहुत बात या फिर पूरी तरीके से बात की है चलिए अब मुद्दा बनता है कि किसने पहले कहा किसने पहले नहीं कहा चलिए इस मुद्दे पे हम डिस्कशन करेंगे बिकॉज इसके टाइमलाइन के बारे में अगेन डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि एम रॉय पहले होने चाहिए कुछ लोग बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण कुछ बोल रहे हैं गांधी सबसे पहले आना चाहिए सो so, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर आउट करूंगा आपको सबसे पहले बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड पार्टी डेमोक्रेसी के परस्पेक्टिव को हम थोड़ा समझेंगे क्या ये कहना चाहते थे एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले एवरी वन आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू वाइस की एक बार क्विकली सब्सक्राइब कर दिएॉज दिस काइंड इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यून ऑन दिसल ऑल्सो ओनली सो इस इन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिएगा सब्सक्राइब करते जाएगा जब जब जो जो वीडियो देखे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अदरवाइज आपकी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंटेंटेंफॉर्मेश मिस होते रहेंगे ठीक है फाइन चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी की बात के बारे में बात करते हैं ठीक है बिकॉज सिंपल सी बात है सबसे पुराने थिंकर है एम एन रॉय विनोद भावे जयप्रकाश नारायण सबसे पहले गांधी जी आते हैं ठीक है बट गांधी जी ने बहुत सारे विचार दिए स्वराज का आइडिया वी ऑल नो कि गांधी जी वॉज ए थिंकर अनार्किस्ट मीन्स

पॉइंट ये आता है कि जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो है कि पार्टी तो लोकतंत्र चले ये विचार गांधी जी ने असलियत में यह सा साल पहले ये कहना स्टार्ट किया कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको हमको क्या बना देना चाहिए एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ठीक है तो बहुत खुले रूप से, एक तरीके से कोई थीसिस डेमोक्रेसी का जनरेट उन्होंने नहीं किया था बट हाँ, उनके मोटे तौर पर उनका विचार था बिकॉज सर्वोदय के विचार में बिलीव करते हैं कि सबका विकास हो ठीक है ये नहीं कि किसी एक वर्ग का विकास सभी का विकास ओके ही बिलीव इन द आइडिया ऑफ सर्वोदय आप सभी लोग सर्वोदय को जानते हैं गांधी जी के सो so, सर्वोदय के विचार से अगर हम देखें तो सर्वोदय के परस्पेक्टिव से उनका उन, उन, उनका यह प्रस्पेक्टिव था कि कांग्रेस पार्टी जो है नेशनल मूवमेंट की पार्टी थी राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी थी सो दैट्स वाई

आइडियोलॉजी ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी इट सेल्फ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी ओके सो रेडिकल डेमोक्रेसी का जो ठीक है रेडिकल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कट्टरपंथी लोकतंत्र जो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट जो बीसी दिया है उसमें पार्टियलिस्ट डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट उसमें अंतर नहीं था ठीक है और विनोदो भाव की जी की अगर हम बात करें इसकी इनके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा थो और डिटेल्स क्रोनोलॉजी प्रॉपरली बट विनोद भावे जी को अगर हम देखें तो वो गांधी की विचारधारा को ही फॉलो कर रहे थे विनोदा भावे इज ऑल्सो ए गांधी ओके so, विनोदा भावे जी आप सभी लोग जानते हैं भूदान uh, भूदान मूवमेंट को बहुत अच्छे जानते होंगे ठीक है विनोदा भावे जो है भूदान मूवमेंट के लिए बहुत फेमस है सर्वोदय के विचारक हैं गांधी जी के विचारों को फॉलो करते हैं सो जो गांधी जी ने विचार दिए उसी को आगे लेकर गए और उसी प्रकार की बातें विनोद भावे ने कही और उसके बाद विनोदा भावे के सर्वोदय मूवमेंट को भूदान मूवमेंट को स्पेशली भूदान मूवमेंट हम उसको बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं जहां पे भूमि दान की जाती थी ठीक है सो उसी मूवमेंट को आगे जयप्रकाश नारायण भी उसमें शामिल होते हैं बाद में ठीक है और वहां पर भी उन्होंने पार्टिस्ट डेमोक्रेसी की बात की ठीक है सो इस तरीके से इस सेक्वेंस चलता मैं आपको थोड़ा सा और कैटेगरी के लिए बताता हूं कैसे कैसे क्या क्या हुआ

ठीक है आई के सभी लोग जानते हैं इस बात को कि दैट वाज़ द गांधीज रिकमेंडेशन कि कांग्रेस पार्टी शुड बी कन्वर्ट इनटू सो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है वो खत्म हो चुका है अब वो नेशनल मूवमेंट की पार्टी थी अब इसको नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन जाना चाहिए ये उनका कहना था ठीक है सो यहां से माना जाता है कि गांधी जी पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी में सपोर्ट करते हैं ठीक है थीके? यहीं से कुछ विचारक कहने लगे कि गांधी जी का बिकॉज गांधी जी ने अपने विचारों में कहीं साफ साफ नहीं लिखा ठीक है किसी भी उनके लेटर में या फिर आर्टिकल में दर इज नो क्लियर स्टेटमेंट की यस ही वॉज सपोर्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी ओके स्टेटलेस लिखा हुआ है ठीक है राम राज्य लिखा हुआ है बट पार्टीलेस शब्द कहीं नहीं लिखा है बट जब थिंकर्स उनको पढ़ते हैं तो देन दे रियलाइज यस ये वॉज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ पार्टी डेमोक्रेसी ओके स्पेशली उनके अंतिम के दिनों में जब उन्होंने कांग्रेस कौ को यह सुझाव दिया कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर जो थे पटेल जैसे जो लीडर थे उनको सुझाव दिया कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दीजिए अदरवाइज करप्शन बढ़ते जाएगा बिकॉज आपका काम खत्म हो चुका है अब देश चलाना आपका काम नहीं है इस प्रकार की उन्होंने बातें कही ठीक है सो ये उसके बाद गांधी जी ने विचार दिया ठीक है तो सेकंड नंबर पर गांधी जी आएंगे और उसके बाद ऑब्वियसली बात है विनोद भावे

वेलफेयर ऑफ ऑल ओके सर्वोदय बेसिकली मीन वेलफेयर ऑफ ऑल ओके सो विनोद भावे ने तब पक्षपाती राजनीतिक व्यवस्था का विरोध में जाते हुए एक पार्टी लेस रहित पार्टी रहित लोकतंत्र के बारे में बात की थी भारत के लिए सुझाव दिया था तो ये उनका सुझाव तो इसलिए हम नाइनटीन फिफ्टी वन उनका मान सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद जेपी नारायण बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज में आप काम करते आपको पता है जेपी नारायण ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर रहे वो कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर रहे उसके बाद सोशलिस्ट uh, पार्टी भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सोशलिस्ट पार्टी फिर प्रजा so, सोशलिस्ट uh, पार्टी ठीक है सो में लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट जो फिफ्टी टू में बनाई उन्होंने ठीक है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और उसके बाद दो साल बाद बोला कि अब मैं तंग आ चुका हूं ओके okay? जयप्रकाश नारायण ने बोला की मैम मैं तंग आ चुका हूं मुझे पार्टी पॉलिटिक्स पसंद नहीं आ रही है तो पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ा उन्होंने ठीक है सक्रिय राजनीति को छोड़ा और जाके ज्वाइन किया सर्वोदय मूवमेंट जो कि की भावे चला रहे थे विनोद भावे को ज्वाइन किया समर्पित अपने आप को समर्पित कर दिया कि अब मैं इसी क्षेत्र में काम करूंगा और फिर वहां से वो पार्टी की बात करते विभिन्न विचार दिए ठीक है वहां पे उन्होंने बोला कि राजनीति की जगह क्या चलना चाहिए लोक नीति ओके okay? राजनीति की जगह लोक नीति पे फोकस कीजिए ठीक है पार्टी पार्टी कंपटीशन नहीं हो चाहिए पार्टी कॉपरेशन इस प्रकार के बहुत सारे सुझाव उन्होंने सजेस्ट किए ठीक है तो ये है थोड़ा सा अगर आप सीक्वेंस में देखें ठीक है अगेन ये बहुत डिबेटेबल आइडिया है बिकॉज इट इज समथिंग विच वी स्टडी एंड इट्सरी वर्क डेफिनेटली अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया उनको और उससे आपसे निकाला है तो जो मुझे कुछ आर्टिकल्स मिले और कुछ सीक्वेंस मैंने लेके, देखे हो, उसके बेसिस पर यह कुछ डेटा मैंने कनेक्ट किया जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी रहे कि अगली बार कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू नीट टू भी वेरी क्लियर ओके इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सबसे पहले एम एन रॉय देन महात्मा गांधी भावे जयप्रकाश नारायण बट अगेन ऑल दीज फोर आर सपोर्टर ऑफ पार्टीलिस्ट डेमोक्रेसी मोर और लेस कुछ पूरी तरीके से कुछ अधूरी तरीके से जैसे गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने कोई पूरा थीसिस जनरेट नहीं किया डेमोक्रेसी बिकॉज इवन विनोद भावे ने भी ठीक है भावे ने भी कोई जनरेट नहीं किया बट हाँ जयप्रकाश नारायण एंड एम एन रॉय दे आर द थिंकर्स प्रेजेंटेड द थिंकर ऑल्सो कि हाउ द पार्टी डेमोक्रेसी इज गोइंग टू वर्क इन्होंने समझाया भी है कि जो पार्टी रहित ओके okay? पार्टी विहीन राजनीतिक व्यवस्था होगी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी कैसे काम करेगी इसका पूरा सिद्धांत एक खाका भी तैयार किया उन्होंने कि इस प्रकार से वो काम करेगा

ंड्रेड क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे पॉलिटिकल साइंस के इट मीस की प्रॉपर मॉक टेस्ट जैसा कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वेर यू विल बी गेटिंग द लिंक फॉर दिस सेशन ओके और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो ठीक है फाइन सो आई होप कि आपको अच्छा लगा एंड प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स जिन जिन टॉपिक्स के बारे में आप लोगों कन्फ्यूज है ठीक है जनरल टॉपिक्स के हम सेशन से रहते हैं कभी भी अगर आपको लगे कि किसी टॉपिक में ऐसा कंफ्यूजन है कि इसमें क्लियरिटी नहीं हो रही कि कौन से विचारक नहीं दिया क्या नहीं दिया मतलब वट एवर ऑफ डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग सो आई विल ट्राई टू क्रिएट सम डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन स्मॉल सेशन जैसे कि ये बनाया है वैसे कुछ डाउट सॉल्विंग सेशन बनाने की मैं कोशिश करूंगा ठीक है सो कमेंट बॉक्स में डालिएगा की सेशन आपको कैसा लगा और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो कि नहीं है और अगर कुछ लगता है आपको स्टिल जो मैंने बात बताई है उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन डेफिनेटली प्रोवाइड योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो अपना जो फीडबैक है वो दे सकते हैं आई विल रिप्लाई टू यू ओके डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा वहां पर और एक लिंक भी मैं शेयर करूंगा जिस आर्टिकल को मैंने पढ़ने के बाद ये पूरा बेसिकली क्लास बनाई है तो उस आर्टिकल को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं uh, जे स्टोर पर आर्टिकल है वो बेसिकली तो उसको आपसे आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी कैसे कैसे एक कॉन्सेप्ट है पार्टिल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ठीक है वो कैसे डेवलप होता है इंडिया में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के में ठीक है फाइन चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स यो ठीक है आपकी डिमांड पे आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए सेशन बनाए तो आई होप कि यू गाइज आर गोइंग टू शेयर द सेशन विद एज मेनी ऑफ स्टूडेंट्स इट्स पॉसिबल फ्रॉम योर साइड ओके बाय बाय गाइज टेक केयर हैव अ नाइस डे